साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि साल 2022 तक सभी लोगों के पास अपना घर होगा, लेकिन सभी भारतवासी जिनके पास अपना घर होगा उस लिस्ट में शायद झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती वाले लोग नहीं आते हैं, क्योंकि हर दिन उन्हें यहाँ से तोड़ने और हटाने की कवायद ही चल रही है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के केंद्रीय बजट में ये वादा किया है कि अगले साल बजट तक 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो 80 लाख घर अर्बन पुअर के लिए होंगे, जिन्हें हम कहते हैं अर्बन पुअर, उनके लिए होंगे या नहीं होंगे ये कुछ पता नहीं है। क्या यहाँ पर अभी क्या कहा गया बस्ती को हटाने के बारे में? यहाँ से हम रोड निकलेगा, आप लोग कल आया लोग कहा कि आप लोग घर खाली कर दीजिए, से आप लोग यहाँ मत रहिए, हम रोड निकालेंगे। हम लोग बहुत दिन से यहाँ हैं, हम लोग बोले कि कम से कम पर रहने दीजिए, परीक्षा पड़ जाएगा, बच्चा लोग गांव से सब आए हुए हैं, चार पांच गो देहात से आए हैं, इंटर के भी हैं, मैट्रिक के भी परीक्षा है, तभी नहीं वो लोग माने कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे। हर महीने दो महीने पर पटना में किसी ना किसी बस्ती को ऐसे ही उजाड़ दिया जा रहा है जो लगभग 50-60 साल से वहाँ पर बसी हुई थी। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के जो सबसे इलीट वर्ग के जो का जो एरिया है वहाँ पर, यहाँ पे सारे मंत्री, सारे विधायक, सबका आवास यहीं पर है। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनका आवास ठीक यहाँ से 20-30 मीटर की दूरी पर है, और उनके आवास के ही पीछे एक बस्ती है जिसे कौशल नगर बस्ती कहते हैं, जो लगभग 50-60 साल पुरानी है, 50-60 साल से वहाँ पर लोग रह रहे हैं। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, बस इन लोग को रोड चाहिए यातायात के लिए। हम लोग के घर जो है उस पर बुलडोजर चला करके रोड बनवाएंगे, और हम लोग रेलवे लाइन पर रहेंगे, और क्या कहेंगे। फुटपाथ पर दुकान देकर पेट पाल रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, तो हम किराया भरेंगे कि बाल बच्चे का पढ़ाएंगे कि कहाँ जाएंगे, हमको कहीं पर व्यवस्था नहीं है। मेरा एग्जाम है, तब एग्जाम देंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, यहाँ से तो हटा देंगे, मेरे को हटा देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कखनी हम खाना बनाएंगे, कखनी रहेंगे। यहाँ से तो ऑर्डर हो गया कि हटा दीजिए सबको, तो कैसे करेंगे, मेरा एग्जाम भी है। हम लोग के बाढ़ क्षतिग्रस्त में हम लोग का घर दहा हुआ गया था, इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी थे, जिसमें हम लोग के बेघोरे का घर मिला था, उसका मुख्य रोड वो था, पशुपालन मुर्गी फार्म का रोड था, उसी में हम लोग के अनजान था। यहाँ हम लोग जितना गरीब तबका के हम लोग थे, हम लोग के जगन्नाथ कौशल जो थे, जगन्नाथ कौशल नहीं, जगन्नाथ कौशल ही राज्यपाल थे, उन्हीं के द्वारा हम लोग के चिट्ठी बांटा गया था। और ये जो अचानक कहा गया है आप लोगों को हटने के लिए यहाँ से एक दिन के अंदर, तो अभी आप लोग क्या सोचे, क्या वैकल्पिक आप लोगों का होगा, कहाँ आप लोग जाएंगे? ऐसा ही रेलवे लाइन किनारे रहेंगे, लेकिन नहीं भागेंगे, यहीं पर रहेंगे, कहूँ व्यवस्था नहीं तो जाएंगे कहाँ, कहूँ भी व्यवस्था नहीं है, हमको यहीं पर रहेंगे, आएगा बुलडोजर, बुलडोजर के सामने सूत जाएंगे, चलाइए हम ही पर चलाइए, उसके बाद घर तोड़िएगा, हम ही लोग नहीं रहेंगे तो देखबे नहीं करेगा हम टूटते। हालांकि अभी तक मीडिया के दबाव के कारण, हालांकि सिर्फ एक डेमोक्रेटिक चरखा ही अभी तक इस स्टोरी को कवर कर रहा है, लेकिन ये मामला अभी दो दिन से रुका हुआ है, दो दिन से यह तोड़ा नहीं गया है। लेकिन दरअसल ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे सड़क का जो निर्माण है वो क्यों किया जा रहा है। वो जो एक बस्ती है वहाँ से आप देख सकते हैं कि पटना दो हिस्सों में बंटता हुआ नज़र आता है, सड़क के दूसरी तरफ विधायक मंत्रियों का आवास है, और वहीं सड़क के एक तरफ बस्ती बसी हुई है, इस वजह से वहाँ पे एक दूसरे सड़क को निकाला जा रहा है कि एक सड़क वीआईपी लोगों के लिए रहेगी, वीआईपी पर्संस के लिए रहेगी, वही जो दूसरी सड़क बनाने के लिए बस्ती तोड़ी जा रही है वो आम इंसानों के लिए रहेगी, यानी और वहाँ पे एक बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे वीआईपी लोगों की सुरक्षा में, कथित सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक या कोई कमी ना रहे। दूध आज बोले हटाने के लिए, कल तोड़ देंगे, तो बताइए हम हटाएंगे कि एग्जाम देने जाएंगे कि खाना बना के रहेंगे। माने कि किसी का घर द्वार तोड़ना है तो कम से कम आज अनाउंस किया है कि आज आप लोग हट जाइए, बिहान आप लोग को हटना है ना, तो बुलडोजर चल जाएगा,
ये कोई मतलब है ऐसे में कैसे, लेकिन बाल बच्चा छोटा छोटा है, देखिए भीषण अथी में कहाँ लेके आदमी जाएगा ठंडा के मौसम में। हम लोग का दर्शन बना हुआ है और जो आया है मार्ग से बोला है कि खाली कीजिए खाली कीजिए, किसको खाली करना नहीं करना वो भी नहीं मालूम है, ना नोटिस दिया है, इसीलिए अभी जाके देख सकते हैं बच्चा अभी परीक्षा वाला के नहीं जाएंगे, हम मेरा घर ही नहीं है तो हम परीक्षा देके क्या करेंगे। हमको कमाने खाने का यही रोटी रोजगार है, हमको पर कहीं भी व्यवस्था नहीं है, हम यही छोड़कर कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं उस सब का पढ़ाई का लिए है, जो हम 5,000-6,000 रुपये किराया हमें को दो रूम का देंगे कहाँ से देंगे, हम बाल बच्चा के पढ़ाएंगे कि किराया भरेंगे। तो आप लोग इसको लेकर किसी विधायक मंत्री, क्योंकि ये पूरा इलाका विधायक मंत्रियों का है, तो आप लोग किसी से भी मिले, कोई आप लोगों के साथ आने के लिए तैयार है? के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ लोग मिलने नहीं दे रहे हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ बाहर चले गए हैं, ये बोलते हैं नहीं 3 दिन के बाद आएंगे, तो नोटिस कैसे दे दिए हैं, नोटिस कल है, ऐसे नोटिस थोड़ी मिलता है, हम लोग 8 दिन का समय देंगे ना, एक बजे कैसे हो जाए, कल है आज खाली करो, कोई मतलब है, हम लोग खाना चढ़ाए हुए हैं आके कह रहे हैं कि घर खाली कीजिए घर खाली कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग का जन्म यहीं हुआ है, ये 10,000 का आबादी है, ये जब से आए हैं दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के सलाहकार अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ से जो गरीब आदमी जो हम लोग जाते हैं मुर्गी फार्म वाला रोड, यहाँ से कहते हैं घेर के आगे भी घेर के, ये गरीब जो 30-40 वाला झोपड़ी है 30-40 घर उसको तोड़ के रास्ता बनाने के, वो ना इन लोग का नोटिस आया है, ना किसी को सूचना है, कोई शादी ब्याह में बाहर गया हुआ है, कोई बीमार है, कोई परीक्षा में अभी बच्ची लोग का चल रहा है, सरकार कहता है कि बच्ची को आगे बढ़ाना है, अभी जिस घर में परीक्षा है कल जा नहीं पाया बच्चा, इसलिए रो रहा है सब, परीक्षा से पहले यहाँ घर बचाना है, परीक्षा छूट गई उनकी, परीक्षा तक नहीं गया इसलिए रो कर रहा था, गांव देहात के कमाए खावला है इसलिए नहीं गया। 40 साल से सास ससुर सब रहते थे, 40-50 साल से हम लोग हैं, सास ससुर भी यहीं रहते थे, उसके बाद हम लोग आए, बच्चा लोग के पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं हम लोग के काम सुविधा है, ठेला ठुकुर जो चलाते हैं जो यहीं हो रहा है, काम आते हैं खाते हैं। हमको कुछ तो टाइम मिलना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए ना, कि हाँ अब तत्काल पर तो होना नहीं, डेरा भी नहीं मिल पाएगा समय पर, इसी कारण से दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा समझना चाहिए, मजबूरी भी, कहाँ जाएं बताइए आप। सरकार जो कहता है कि जहाँ झोपड़ी वहीं महल बनाना है, प्रधानमंत्री एक तरह से बोलते हैं, ये बिहार सरकार नगर निगम के जो दादागिरी से, जो हम लोग जो 10,000 का आबादी अभी व्यस्तहीन हो गया, और रास्ता भी जो है आज के नहीं है, हम लोग का जन्म से पहले का रास्ता था ये घेरने को, उसके ये लोग VIP जो है आज के जो नेता लोग है कहते हैं कि जनता का सेवा करेंगे, हम लोग कहते हैं गद्दी में चलाता था, गरीब आदमी से घृणा हो रहा है उनको, इतना सारा क्या बोलता है महंगाई है कि डेरा तक नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ाई करें कि खाना खाएं कि डेरा लें क्या करें, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ना होगा तो यहीं पर रहेंगे, आएंगे तो देखा जाएगा क्या करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिहार हमेशा इतिहास बनाया है, फिर इतिहास बनाएगा, 10,000 में कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन ये रोकने ये झोपड़ी टूटने नहीं देंगे, उसके लिए जो भी आएगा प्रशासन को सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो यहाँ से या तो हम लोग का लाश बिछेगा या तो प्रशासन को लाश बिछेगा, सम्मान करते हुए हम लोग यही हम लोग निर्णय लिए हैं, इसीलिए अभी 10,000 का भीड़ अभी आ गया। इस मामले को लेकर क्योंकि बस्ती वालों को कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक अनाउंसमेंट की गई है, इस वजह से हम लोगों ने इसके किसी रिटन प्रूफ के लिए हम लोगों ने सर्किल ऑफिसर को कई बार फ़ोन किया, हालांकि पिछले 2 दिन से उनका नंबर बिजी ही बता रहा है या एक रिंग करके वो फ़ोन बिजी बताने लग रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि कोई टेक्निकल ग्लिच है या ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि हम लोग उनके ऑफिस में भी गए लेकिन वहां पे कोविड प्रोटोकॉल के वजह से अभी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही पटना में बस्तियों को जो तोड़ने की कवायद चल रही है इस पर आपकी क्या राय है आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।